गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी, एंड टुडे आई एम टॉक अबाउट स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट एनवायरमेंट यूनिट नंबर 9। अप यू गो फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट माउंटेनियरिंग कैंप बाय नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर काशी, एंड वी डिस्कस अबाउट माउंटेनियरिंग कैंप। धैन वी लर्न अबाउट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर, एंड धैन वी लर्न अबाउट क्रॉसिंग रिवर। इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट रिवर को किस तरह से क्रॉस करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मींस ऊंची चट्टानों के पास वो कैसे क्लाइंबिंग करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ फनी इंसिडेंट। अ फनी incident. It was evening. Khondambi was feeling hungry. So friends, ये climbing 2 February 1984 को start हुआ था, and then river 5th फरवरी को क्रॉस किया था, एंड रॉक क्लाइंबिंग कब किया था, 10th फरवरी को। सो अ फनी इंसिडेंट, ये कब का इंसिडेंट है, 14 फरवरी 1984 का। ओके, सो इट वाज इवनिंग, खोंडाम्बी वाज फीलिंग हंग्री, वो शाम थी, एंड खोंडाम्बी वाज फीलिंग हंग्री। खोंडाम्बी जो था वो कैसा फील कर रहा था, हंग्री मींस उसे भूख लगी थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट मींस उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सी जंप्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड। उन्होंने क्या किया, खांडोमी ने क्या किया, वह बर्ड पर कूद गई और एक खेत में जा गिरी। ओके, कहाँ पे जा गिरी, खेत में। सी क्विकली प्लक्ड टू बिग कुकुम्बर्स एंड कम बैक। उसने क्या किया, खेत से क्या लेके आई, दो बड़े कुकुम्बर्स। क्या लेकर आई, कुकुम्बर्स मीन्स जिसे हम खीरा बोलते हैं, ककड़ी। ओके, तो वो क्या लेकर आई, कूद के गई एंड कुकुम्बर्स लेके वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कट होल्ड ऑफ हर बैग। क्या किया, वो क्या लेकर आ गई थी, कुकुम्बर। ओके, सो बस तभी एक महिला पीछे से आकर उसका बैग पकड़ लिया। तब एक वुमन ने क्या किया, पीछे से आई, बिहाइंड मींस पीछे से आई, एंड उसका बैग पकड़ लिया। सी स्टार्ट सेइंग समथिंग टू खोंडाम्बी इन हर ओन लैंग्वेज। सो महिला ने क्या किया, वो अपनी लैंग्वेज में खोंडाम्बी को कुछ कहने लगी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड What she was saying, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो लेडीज जो थी, वो महिला थी, वो वुमेन थी, वो क्या बोल रही थी। खोंडाम्बी was trying to explain in her मिजो। So खोंडाम्बी उसे मिजो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज, खोंडाम्बी लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो उसे मिजो लैंग्वेज में कुछ समझा रही थी, बट वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट।
ये जो संगीता मैडम थी वो उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही थी, बट वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड टू से दैट वी वेर सॉरी। फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि वी वेर सॉरी, मीन्स उन्होंने माफी मांगी। बाई देन ओवर ग्रुप हैड गोन फार अहेड। उसके बाद जब तक ये हुआ तब तक उनका ग्रुप जो था वो बहुत ही आगे निकल चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, मीन्स वो कब की बात है, तब तक वो अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट ओवर वे। उनको लगा कि वो अपना रास्ता खो चुके हैं। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, और वो रियली स्कैर्ड मीन्स रियली में वो बहुत ही डर चुके थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ ओवर टॉर्चिस, मीन्स वो डरे हुए भी थे और उनके साथ टॉर्च थी, फिर भी वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। ओके कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। आई स्टार्टेड स्वीटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, मीन्स इतनी ठंड में भी उनको पसीना आने लगा। आई टाइटली हैंड कॉन्डोम्बिस हैंड, आई कॉल्ड आउट लाउडली, वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी, माई वॉइस एकॉर्ड इन द माउंटेन्स। फिर उन्होंने क्या किया, संगीता मैडम ने खोंडुम्बी के हाथ को कस कर पकड़ लिया और लाउडली बोलने लगी। ओके लाउडली बोलने लगी, वेयर आर यू ऑल, तुम सब कहाँ हो, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, माई वॉइस एकॉर्ड इन द माउंटेन्स। उनकी आवाज माउंटेन्स में गूंज उठी। वी बोथ स्टार्ट टू विसिल लाउडली एंड फ्लैश ओवर टॉर्च। वो जोर जोर से सीटी बजाने लगे एंड उनकी टॉर्च ऑन कर दी। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वेर मिसिंग। तो जब वो ऐसा करने लगे तो उनके ग्रुप ने शायद देखा कि वो मिसिंग है। वी हियर्ड सम विसल एट अ डिस्टेंस। ओके तो उन्होंने कुछ डिस्टेंस पे विसल की आवाज सुनी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, वो सिग्नल समझ गए। वी हेल्ड इच अदर हैंड टाइटली एंड वेट। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर वेट कर रहे थे। खॉन्डम वी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। ओके खांडुम भी क्या कर रही थी कि खांडुम भी को लगा कि उनको बातें करते रहना चाहिए, मींस वो टॉक कर सकती है। ओके सी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिजो सॉन्ग लाउडली। खांडुम भी ने मिजो में गाना गाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम वी सो देम कमिंग टुवर्ड अस, मींस थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि उनका जो ग्रुप है वो उनके पास आ रहा है। ओके एटलीस्ट वी वेर विथ द ग्रुप अगेन। लास्ट में वो उनके ग्रुप के साथ हो गए। नाउ टेल इफ देयर एनीवन इज योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स, वॉट डू यू डू इन सच अ केस, मीन्स आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिनकी लैंग्वेज आप समझ नहीं पाते हो या फिर आपकी लैंग्वेज वो नहीं समझ पाता है, वॉट डू यू डू इन सच अ केस, ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, क्या आप
कभी अपना वे मीन्स अपना रास्ता भूल गए हो? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? सपोज हम कहीं पे भी गए हो, मीन्स टूर पे गए हो, एंड आप अपना रास्ता भूल जाए या फिर अपने ग्रुप से बिछड़ जाए, तो आप क्या करोगे? वो आपको लिखना है। व्हाई डू यू थिंक खांडुम्बी वुड हैव सॉन्ग लाउडली? आपको क्या लगता है कि खांडुम्बी जोर जोर से गाना क्यों गाने लगी? बिकॉज उनके ग्रुप को पता चले कि वो कहाँ पे है। ओके, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? मीन्स क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि कोई समथिंग स्पेशल करने लगे? लाइक मैं डर गई हूँ तो मैं अपने पैर हिलाने लगती हूँ। ओके, या फिर कोई और डर गया हो तो वो अपने नाखून चबाने लगता है। ऐसे अलग-अलग तरीके से वो अपना फियर जो है वो दूर करते हैं। व्हाट एंड व्हेन? सो आपने कभी किसी को ऐसा देखा है? क्यों एंड कहाँ पे ऐसा कब देखा? नाउ ट्राई, क्या करना है आपको? ट्राई करना है। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग। ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे। मीन्स आपको क्या करना है? कुछ भी बोले बिना आपके फ्रेंड से आपको बुक लेनी है एंड उसमें से कुछ भी एक्सप्लेन करना है। ओके, ट्राई टू समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे मीन्स उसी तरीके से, मीन्स बिना बोले आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्पेशल गेस्ट। सो हमने देखा कि टूर कब स्टार्ट हुई थी? 2 फरवरी 1984। सो इट वॉज 15 फरवरी 1984। सो आफ्टर 13 डेज आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट। मीन्स खाना खाने के बाद वो स्पेशल गेस्ट से मिले। वो कौन थे? बचेंद्री पाल। कौन थे? बचेंद्री पाल। सी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए टीम में सिलेक्ट हो गए थे। कम टू सी द ब्लेजिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। सो उन्होंने मींस वो माउंट एवरेस्ट के चढ़ने के लिए सिलेक्ट की गई थी, तो वो ब्रिगेडियर सिंह ज्ञान सिंह जो थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, तो वो उनका ब्लेसिंग मींस आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वेर ऑल सिंगिंग। सो वो शाम बहुत ही खुशहाल थी और सब गाना गा रहे थे। बचेंद्री अल्सो ज्वाइन अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पाको बरा मासा कफल पाको चैता मेरी छैला। सो ये एक पहाड़ी सॉन्ग है, तो बचेंद्री ने भी उनको ज्वाइन किया सिंगिंग में एंड डांसिंग में। सो वो बहुत ही फेमस पहाड़ी सॉन्ग गा रहे थे, बेडू पाको बरा मसा कफल पाको चैता मेरी छैला। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। मीन्स तब उनको अंदाजा नहीं था कि बचेंद्री माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएगी और इतिहास रचेगी। क्रिएट हिस्ट्री मीन्स इतिहास रचेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैंप इन द स्नो। कैंप इन द स्नो ये कब की बात है? 18 फरवरी 1984। ओके, मीन्स आफ्टर 15 डेज। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। वी वेयर टू स्पेंड द नाइट
वो कितनी हाइट पे थे? 2,134 मीटर्स, मीन्स 2 किलोमीटर्स के ऊपर की हाइट पे थे. एंड वी वेर टू स्पेंड द नाइट हियर, वो वहां पे नाइट स्पेंड करने वाले थे. एवरी वन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. सो एवरी वन मीन्स सभी वॉज बाय बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, मीन्स सभी टेंट लगाने में बिजी थे. वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक सीट फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. उन्होंने क्या किया? डबल कोटिंग, डबल लेयर प्लास्टिक सीट का यूज किया टेंट बनाने के लिए एंड ग्राउंड पे बिछाने के लिए. ओके, द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, मीन्स दोनों लेयर के बीच की जो एयर है वो उनको कैसा रखेगी? वार्म रखेगी, मीन्स गर्म रखेगी. ओके, वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट. सो पैग मीन्स खूटा. ओके, तो उन्होंने खूटे में वो लगाना शुरू किया और टेंट बना दिया. एज वी टाइट इट फॉर्म वन साइड, द वाइंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड. सो उन्होंने एक साइड से टेंट लगाया एंड दूसरी तरफ से वाइंड फ्लू हुआ, मीन्स पवन आया, पवन का झोंका आया एंड उस टेंट को तोड़ दिया. आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, मीन्स बहुत ज्यादा पुलिंग, मीन्स खींचने और टगिंग के बाद वो टेंट को मैनेज करने में कामयाब रहे. देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, मीन्स उसके बाद उन्होंने टेंट के आसपास ड्रेन मीन्स नाली खोदी. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, उनको कैसा फील हो रहा था? वेरी हंग्री मीन्स उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी. वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड. ओके, सो उन्होंने क्या किया? कुछ लकड़ियाँ, फायरवुड मीन्स लकड़ियाँ, एंड स्टोन कलेक्ट किए एंड चूल्हा जलाया एंड कुक्ड सम फूड, मीन्स सम फूड, थोड़ा सा फूड बनाया. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट. आफ्टर द मील मीन्स खाना खाने के बाद उन्होंने जो कैंप लगाया था उस एरिया को साफ करने के लिए सभी जितना भी कचरा था वो वेस्ट था, तो वो वेस्ट को बैग में कलेक्ट कर लिया. सुन वी गॉट इन टू ओवर स्लीपिंग बैग, मीन्स उन्होंने वो वेस्ट कलेक्ट करने के बाद उनके स्लीपिंग बैग में, मीन्स वो टेंट में आ गए. आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मीन्स वो श्योर नहीं थी कि वो वही स्लीपिंग बैग में सो पाएगी. ओके, वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या वो कंफर्टेबल लग होगा? वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या उनको सर्दी मीन्स ठंड नहीं लगेगी? बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फीदर्स, मीन्स वो जो बैग थी वो बैग सॉफ्ट फीदर, फीदर्स मीन्स पंख, सो सॉफ्ट फीदर्स से भरी हुई थी, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो कि उनको वार्म रखने में मीन्स गर्म रखने में हेल्प करेगी. वी वेर ऑल वेरी टायर्ड, वो सब थक चुके थे. सो वेरी सुन वी फील अ स्लीप, तो बहुत जल्दी वो सो गए. ओके, सो इस टाइप से बैग होती है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इस टाइप की बैग होती है जिसमें वो लोग चले जाते हैं एंड अंदर क्या होते हैं? फीदर्स, एंड उसके बाद वो सो जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट मॉर्निंग
वी वॉक अप एंड फाउंड डेट इट वॉज स्नोविंग, मीन्स दूसरे दिन। जब वो सुबह उठे, वॉक अप मीन्स उठे, तो उन्होंने देखा कि इट वॉज स्नोविंग। स्नोविंग मीन्स वहां पे बर्फबारी हो रही थी, बर्फ गिर रही थी। व्हाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, मीन्स व्हाइट कलर का एकदम सॉफ्ट बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे गिर रहे थे। ओके, सो स्नोफ्लेक्स मीन्स बर्फ के टुकड़े। ओके, सो व्हाइट कलर के सॉफ्ट एंड फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, मीन्स धीरे धीरे गिर रहे थे। वाव, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, वो बहुत ही ब्यूटिफुल था, सुंदर था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड व्हाइट। ग्रास, ट्रीज, प्लांट्स एंड माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड व्हाइट। फ्रेंड्स, आप हिमालय पे जाओगे, जम्मू कश्मीर साइड जाओगे, तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ की इस तरह की आइस फॉलिंग मीन्स स्नोफ्लेक्स फॉलिंग होती है। टुडे वी वेयर टू क्लाइम हायर, टू 2,700 meters, मीन्स आज उनको 2,700 meters की ऊंचाई पर चढ़ना था। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। सो वो वॉक केयरफुली विद स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक, मीन्स वो स्टिक की मदद से क्या कर रहे थे, स्टिक की मदद से धीरे धीरे बर्फ पर चढ़ रहे थे। ओके, केयरफुली मीन्स विथ केयरफुली, वो धीरे धीरे स्टिक की हेल्प से वो चढ़ रहे थे। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग। ओके, वो बहुत ही डिफिकल्ट था बिकॉज स्लीपिंग मीन्स वो स्लीप हो रहे थे। ओके, बिकॉज वो स्लीप हो रहे थे। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ओके, आफ्टरनून्स मीन्स कि दोपहर में वो कहाँ पे पहुंच गए थे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स मीन्स बर्फ से ढके माउंटेन्स तक पहुंच गए थे। वी एंजॉय थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट इच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने क्या बनाया है, स्नो मीन्स मैन मीन्स बर्फ का मैन बनाया है। वी एंजॉय थ्रोइंग स्नोबॉल्स मीन्स उन्होंने वो स्नो में से स्नोबॉल्स बनाए, एक दूसरे को थ्रो किया। ओके, मीन्स फेंका एंड बहुत सारा एंजॉय किया। ओके, आपने मूवी में भी देखा होगा कि क्या करते हैं, स्नोबॉल्स बनाकर एक दूसरे पे फेंकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक, फनी इंसिडेंट एंड कैंप ऑन स्नो। So I hope you understand, and in the next lecture we discuss about the next topic, last day at camp. So stay home, stay safe. Thank you.